फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खुद हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जो कि बेस्ड है चाइल्ड मैरिज पे। सो हम सबको पता है चाइल्ड मैरिज एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान में हर एक महीने हर एक माह पर उसकी रिपोर्ट्स आती है, उसकी एक बेसिक क्राइटेरिया आता है, मगर वो जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इन सिंध एंड पंजाब। सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि जो 48% वुमेंस होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उसकी जो शादी करवाई जाती है अंडर 18 में, मीन्स वो अभी मेच्योर ही नहीं होती हैं कि उसकी शादी करवाई जाती है। बेसिकली पाकिस्तान का लॉ ऑर्डिनेंस यही कहता है कि आप जब वुमेन की मैरिज की एज हो जाए 16 या 18 की हो जाए, उसके बाद आपकी जो है मैरिज है वो करवा सकते हैं। मगर यहाँ पर सिंध में और पंजाब में क्या करते हैं कि छोटी गर्ल्स की जो शादी करवा देते हैं विदाउट आस्किंग हर वाई शी व्हाट शी वांट एंड व्हाट शी वांट एंड व्हाट इज द रिस्क शी वांट टू डू इन हर लाइफ। सो गर्ल्स को क्या कहते हैं कि डोमिनेंस किया जाता है, ना ही उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, ना ही इक्वल प्रोटेक्शन। सो और वायलेंस भी होता है फिज़िकली, साइकोलॉजिकली एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। लाइक्स गर्ल्स को क्या करते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो डिसीजन अपना ले लेते हैं, गर्ल्स से पूछते तक नहीं है कि वो क्या चाहती हैं। आर शी एग्री विथ दियर पर्सन हु गोइंग टू मैरिज। सो उनको यही पता ही नहीं होता कि वो अपना जो शादी का सिस्टम कैसे चला सकते हैं। सो यहाँ पर एक्चुअली हमने देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर वटाफटा का सिस्टम भी होता है, गर्ल्स को हमेशा पावर्टी के लिहाज से भी चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे केसेस होते हैं, और सी फाइनेंशियली भी होते हैं, एंड देर आर मैनी थिंग्स विच वी नीड टू नो। हमें जो जो ये होता है केसेस होते हैं इनको समझने की ज़रूरत है। So finally I can say that the child marriage are very important topic we need to discuss. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो kindly सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ये ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ, ये मेरी रिसर्च होती है, रिसर्च कंडक्ट करके उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। सो आपकी पेश मैं रखता हूँ कि आप उसको अंडरस्टैंड करें और अपनी जो आइडियाज़ और थाट्स हैं वो शेयर करें, ताकि कुछ मेरा भी हो सके, कुछ आपका। सो दिस इज़ अ थिंग वी नीड टू नो, एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम। आई एम वेरी